नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग कंपनी लॉ लो के लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का मतलब क्या है और कंपनी को एस्टैब्लिश करने के यानी इनकॉर्पोरेट करने के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है सबसे पहले हम लोग कंपनी का मतलब आसान भाषा में समझेंगे कंपनी यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे अलग अलग लोग एक साथ आकर वॉलेंटरीली यानी ऑन देयर ओन कुछ पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके एस्टैब्लिश करते हैं फॉर सम पर्पज अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है मे बी इट्स बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कॉमर्स और बाकी सारे पर्पजेस हो सकते हैं पर्पज डज नॉट मैटर सिर्फ कुछ लोग एक साथ आकर वॉलेंटरीली पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर कर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करे तो उसे कंपनी कहाँ जाता है इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए इंडिया में कंपनीज को गवर्न करने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स एस्टैब्लिश्ड है यह एक्ट कई बार अमेंड हो चुका है और आपके सिलेबस में आपको इंडियन कंपनीज 2013 के हिसाब से लिखना होगा आप सभी ने इन टॉप टेन कंपनीज के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी न्यूज में देखा होगा और सुना होगा अभी हम लोग इन्हीं कंपनीज को एस्टैब्लिश करने की प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे वॉट इज अ कंपनी इन लेमेन्स लैंग्वेज अ कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन came together and formed an institution by contributing money a company has a separate status from its promoters shareholders employees etc a company is an artificial legal person having separate legal entity perpetual succession common seal and limited liability common object can be anything like business trade manufacturing export import etc कॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी ऑफ इंडियन कंपनी थर्टीन कंपनी मीनस एंड कॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस यहां पर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कंपनी का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे वॉलंटरीली कुछ लोग एक साथ आकर पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके एस्टेब्लिश करते हैं फॉर सम पर्पज अब वो पर्पज कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्रेड मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा कंपनी हैज अपरेट स्टेटस फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज कंपनी ने एक अगर कोई प्रॉपर्टी ओन की है तो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिर्फ कंपनी के पास रहेगी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ना उसके प्रमोटर्स के पास रहेगी ना उसके शेयर होल्डर्स के पास ना उसके डायरेक्टर्स के पास बल्कि वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कंपनी ही ओन करेगी इसके बाद में कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन यानी भले ही ओरिजिनल प्रमोटर मर जाए लेकिन कंपनी जो है वो सक्से सक्सेड करेगी फॉर द परपेचुइटी यानी फॉर द इनफिनिट टाइम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का उनके जो ओरिजिनल फाउंडर थे नोशीरवान जी टाटा वो मर चुके हैं उसके बाद में जे टाटा भी मर चुके हैं इसके बाद में रतन टाटा अभी भी एस्टैबलिश कर रहे हैं यानी ढाई साल से भी ज्यादा पुराना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी भी एस्टैब्लिश कर रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन इसके बाद में कॉमन सील जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज यानी आर उसे कॉमन सील देता है और जब भी कोई कंपनी अपना रिजोल्यूशन पास करती है तो उसके ऊपर यह कॉमन सील लगता है आप इसे एक स्टैंप की तरह देख सकते हैं एंड इसे हम लोग कंपनी लॉ लो की भाषा में कहते हैं कॉमन सील लिमिटेड लाइबिलिटी एक कंपनी का जो शेयर होल्डर है या फिर मेंबर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाई हिम इसके बाद में एक कंपनी लॉ का सेक्शन टू सेक्शन ट्वेंटी ये कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी एंड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ तो व्हाट इज अ कंपनी इस सवाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए सफिशियंट रहेगा अभी हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इसका मैंने दिया है एप्पल गेव अ अ टीसीएस पोस्ट डेटेड चेक यहां पर एप्पल कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम भी आप सभी ने सुना होगा और पोस्ट डेटेड चेक का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मेरिट्स है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन परपैचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप कैपेसिटी टू सू एंड गेट सूड ऑन इट्स नेम आप चाहिए तो इसे अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर मैंने जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है उसे अपने ओन वर्ड्स में कॉपी कर सकते हैं सबसे पहले तो सबसे पहला मेरिट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल फिजिकल पर्सन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूटेड सम मनी एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इट अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ हेंस इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सबसे पहले तो कंपनी को हम लोग फिजिकली जन्म नहीं दे सकते इसीलिए वो आर्टिफिशियल है और इसी के साथ में कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो लीगली रिकोगनाइज है इसीलिए कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है परपेचुअल सक्सेशन इवन इफ द प्रमोटर्स सीईओ डायरेक्टर्स ऑफिस बेयर ऑफ द कंपनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी आइदर पास अवे रिटायर्ड और स्विच टू अनदर कंपनी द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी स्टिल रिमेन्स कंटिन्यूअस ऑफिस डज नॉट डाइ एंड कंपनी एग्जिस्टेंस रिमेन्स परमानेंट जैसा मैंने अभी आपको टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल देते हुए कहा था ओरिजिनल प्रमोटर मर जाए सीईओ या फिर ऑफिस बेयर रिजाइन करे या फिर स्विच करे तब भी कंपनी का जो ऑफिस है वो मरता नहीं है और कंपनी का एग्जिस्टेंस भी परमानेंट रहता है तीसरा मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाई हिम इसका मतलब है जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको कॉल्स ऑन शेयर्स के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने हंड्रेड रुपीज़ के फेस वैल्यूज़ के शेयर खरीदने हैं और कंपनी ने आपसे तीन कॉल्स में पैसे डिमांड किए हैं आपने पहले कॉल के तौर पर बीस रुपया कंपनी को दिया सेकेंड कॉल के तौर पर फिफ्टी रुपीज़ दिया यानी आपने सेवेंटी रुपीज़ कंपनी को पे कर दिए लेकिन आपके पास हंड्रेड रुपीज़ के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं तो बाकी के बचे हुए तीस रुपए आपकी लायबिलिटी रहेगी फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव कंपनी आपसे इससे ज्यादा पैसे डिमांड नहीं कर सकती सो योर लायबिलिटी विद द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाई यू यानी थर्टी रुपीज जितना आपने कंपनी को पे करना बाकी है अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर लिमिटेड कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड बट स्टिल देयरबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसके शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसके भी ट्रांसफर करने की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तब भी हम लोग शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं इसके बाद में कॉमन सील Once a company gets incorporated it receives a common seal from the registrar of companies as a company is an artificial legal person the signing of the documents and other task are done by a company by its common seal जब भी एक company registrar के पास में incorporate हो जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसे एक कॉमन सील इशू करता है तो कंपनीज के जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना होता है वो कॉमन सील के द्वारा होता है फॉर एग्जाम्पल आप इसे एक कंपनी के स्टैंप की तरह भी देख सकते हैं नॉट नेसेसरीली ये पॉसिबल है लेकिन आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं इसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रमोटर सीईओ एंड डायरेक्टर्स मेरे ख्याल से ये जो मेरिट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बाद में कैपेसिटी टू सू एंड गेट सूड ऑन इट्स ओन नेम एज अ कंपनी इज अर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल इट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स एम्प्लॉज एंड प्रमोटर्स एक्सेट्रा इट कैन ऑल्सो बी सूड फ्रॉम इट्स मेंबर्स एम्प्लॉइज प्रमोटर्स एक्सेट्रा ऐसा कई बार हो चुका है कि कंपनी ने अपने ही प्रमोटर्स के खिलाफ या फिर अपने ही डायरेक्टर्स के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया है क्योंकि ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि प्रमोटर्स का एग्जिस्टेंस और कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग अलग है और इसीलिए एक कंपनी अपने प्रमोटर के खिलाफ डायरेक्टर के खिलाफ या फिर एम्प्लॉयज के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकती है एंड वाइस वर्षा यानी प्रमोटर्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स अपनी ही कंपनी के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं